तो अब आपको करा रहा हूँ बेटा मैं एक्सरसाइज 15.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होता है। एक स्कूल है बाल भारती, उसके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, दैट वाज अबाउट ऑफ 3 मार्क्स। तो इससे पहले क्वेश्चन करे, हमारे को एक फॉर्मूला जानना है, ये नोट्स में लिख लो बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बेटे दो पॉइंट जान लो जरा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपका कभी भी बेटा इस तरह हो, 1+2+3 से लेकर कहां तक, अप टू एन तक, तो इसके सम का क्या शॉर्टकट फॉर्मूला होता है? मान लो आपने 10 टर्म्स का सम निकालना है, इसका फॉर्मूला बनता है एन इंटू एन प्लस 1/2। समझाओ कैसे, एक काम करते हैं, छोटा सा वो देते हैं आपको, सॉरी हाँ एपीए, बिल्कुल सही कहा, लास्ट ईयर पढ़ा था हमने ये। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हो गया। अब एक आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस 1/6। ओके, मैं इसके पहले एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, ताकि क्लियर हो जाए। देखो मान लो मैंने बोला मेरे को 1 से लेकर 10 तक का सम निकालना है। एडवांस में बता दूं इसका आंसर 55 आता है, मेरे को अच्छे से याद है। आप चाहो तो 1 to 5 भी निकाल सकते हो सम। तो शॉर्टकट वे क्या है, आप सीधा यहाँ एन की जगह वैल्यू पुट कर दो, यानी एन की जगह इस फॉर्मूले में क्या आ जाए, 10 क्या आ जाएगा, 10 × 11/2। आंसर कितना आएगा, 55। चाहे नॉर्मली टोटल करके देख लो इसका, 1+2 = 3, 3+6 = 6, 6+4 = 10, 10+5 = 15, राइट, 15+6 = 21, 21+7 = 28, 28+8 = 36, 36+9 = 45, and 45+10 = 55। अब इसी तरह अगर मैं स्क्वायर ऐड करूं तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं। ओके नाउ क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन टू क्या है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन और वेरिएंस निकालना है। कैसे होगा बेटा, एन नेचुरल नंबर्स क्या हुए मेरे बच्चा, तो मीन की बात करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये वर्ड ना क्लियर हो, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एन नेचुरल नंबर्स मतलब कि नेचुरल नंबर जो कि कहां तक जा रहे हैं, एन तक, एन कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 एंड तक, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4 से लेकर एन तक। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चा, बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कितना, 1+2+3+n अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन n, बिल्कुल सही कहा n, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन n ही है। इसको ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा, बोलो, n n प्लस 1/2 डिवाइड बाय किससे है, क्लियर, तो कितना आया मीन, एन प्लस 1/2, बोलो यहां तक क्लियर। अब आते हैं वेरिएंस, वेरिएंस के बेटा हमने कई तरह के फॉर्मूलेस पढ़े हैं, याद है, एक ये पढ़े, किए पढ़े, किए पढ़े, किए पढ़े, कौन सा लगा जाए, फर्स्ट
फर्स्ट नहीं सेकंड लगाना, मैंने बात लिखी है व्हेन सम फिगर्स आर मिसिंग, जब कुछ फिगर्स क्या मिसिंग हो, या मैं बोलूं कुछ नंबर्स गिवन ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखो कैसे, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर बताओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हुआ, क्या मतलब है इसका है, एक्स स्क्वायर यानी नो एक्स स्क्वायर, वो तो एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया, वो तो यहाँ आ गया मीन का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, एक्स के ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं एक्स, इसका स्क्वायर, पॉइंट क्लियर। एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 149, यानी मैं सिंपल लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट अप टू एन स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, राइट। डाल दो फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, n है, मान लो 10 नंबर होते ही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक, तो कितने नंबर बैठते हैं 10, राइट। तो ये कितना जगह n माइनस x बार, x बार क्या है, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर, यहाँ तक सॉल्व करो, ये n से n कट गया, क्या बच गया, n प्लस 1 2n plus 1 upon 6 minus n plus 1 का whole square upon में 4, यहाँ तक clear, common ले लो बेटा, solve करने के लिए क्या करो, common लो, उससे आसान नहीं हो जाएगा, common क्या आएगा यहाँ से, n plus 1 upon में 2, clear, नहीं हुआ, एक n plus 1 आ गया, इन दोनों से, 6 और 4 के नीचे, common टू की टेबल में आते हैं, क्या बचा पहली टर्म पे, 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, n प्लस 1 बाय 2, एलसीएम ले लो बेटा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 6, क्या कहा, समझ नहीं आया, आ गया, सॉल्व करो, 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन में 6, n प्लस 1 बाय 2 n माइनस 1 बाय 6, n प्लस 1 n माइनस 1 क्या बनाएगा, बिल्कुल सही कहा, एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, बताऊं कैसे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया ना मैंने, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन और नीचे टू इंटू सिक्स 12, ये छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, क्लियर, नोट करो, तीन का है मेरे ख्याल से, तो दो का ही मैं दूं,